उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था, वो समय निकट आ चुका। जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ, अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्वीप द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो। और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पटचित्र हो, या हमारी बिहार की मधुबनी की हो, या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए, 3750 मीटर का रनवे बनेगा, देश नहीं विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5,00,000 स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वही इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो दो विमान देश की राजधानी राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद, तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया इस एयरपोर्ट के लिए। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक सबक है कि सनातन को जितना गाली देंगे, सनातन उतने ही प्रफुल्लता के साथ बढ़ता जाएगा। और उन्होंने जो कलाकृतियां इन दीवारों पर उकेरी गई हैं उसके बारे में भी व्याख्या की और कहा कि आने वाले समय में अयोध्या का कायाकल्प और भी होगा, और अब अयोध्या को देश विदेश में भी एक अलग पहचान देनी है। और इसी के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा